गेहूं में सिंचाई एवं जल प्रबंधन। किसी भी फसल की अच्छी उपज के लिए सिंचाई और जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है। इसी तरह गेहूं की फसल को विकास के पहले 100 दिनों में समान रूप से कुल 450 से 650 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल में पानी का ज्यादा नुकसान वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है, जिसका असर फसल की वृद्धि और उपज पर पड़ता है। गेहूं की फसल में महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर सिंचाई करने से पानी का नुकसान कम किया जा सकता है एवं फसल की उपज में वृद्धि होती है। सामान्यतः गेहूं की फसल में 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है। विभिन्न तरह की मृदा में जल धारण क्षमता अलग अलग होती है। रेतीली डोमेट मृदा में 6 से 8 सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है, जबकि भारी चिकनी मिट्टी में 3 से 4 सिंचाई करना ही काफी होता है। गेहूं की सिंचाई का पहला चरण क्राउन रूट या शीर्ष जड़ निकलने के समय है, जो आमतौर पर बुवाई के 20 से 25 दिनों के बाद आता है। सिंचाई का दूसरा चरण टिलरिंग या कल्लों के निकलने का समय है, जो बुवाई के 40 से 45 दिन बाद होता है। सिंचाई का तीसरा चरण गांठों का गठन, यह आमतौर पर बुवाई के 60 से 65 दिनों के बाद होता है। चौथी सिंचाई शीर्ष या पुष्पावस्था चरण, बुवाई के 80 से 85 दिन बाद। पांचवी सिंचाई दुग्धावस्था चरण, बुवाई के 100 से 105 दिन बाद। छठी सिंचाई दाना भरते समय, बुवाई के 115 से 125 दिन बाद। दी गई तालिका में चरणों को विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। पानी की सीमित उपलब्धता के समय सिंचाई अति महत्वपूर्ण विकास चरणों के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि यदि 1 सिंचाई उपलब्ध है, यदि 2 सिंचाई उपलब्ध है, यदि 3 सिंचाई उपलब्ध है, यदि 4 सिंचाई उपलब्ध है, यदि 5 सिंचाई उपलब्ध है। पानी की बचत के लिए सिंचाई की सूक्ष्म तकनीकें जैसे कि स्प्रिंकलर या फुहार और ड्रिप या टपका सिंचाई आदि को अपनाया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है या सिंचाई के लिए सीमित जल उपलब्ध है, वहां जल उपयोग क्षमता और उत्पादन की कुल लागत में ये तकनीक बहुत उपयोगी है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, इस विधि से कम पानी में अच्छी उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की अच्छी उपज के लिए आपको सिंचाई और जल प्रबंधन की इन तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। इससे आप श्रम निर्भरता और लागत में भी बचत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी कृषि विज्ञान सीरीज के साथ बने रहें।